आज तुम्हारी नानों से भी बात हो गई मेरी। क्या, कब? सुबह सुबह उन्हें फोन किया था मैंने फजर के वक्त। क्या बात हुई? बस बात सेटल हो गई। आज ही उन्होंने हाँ की, वरना इससे पहले तो जब भी मैं उन्हें कॉल करती थी ना, मेरी कॉल को अवॉइड करती थी। अच्छा, और फिर कॉल सुन के भी मेरी बात को कभी इतनी अहमियत नहीं दी थी। फूफो, आपको नानों की आदत का तो पता ही है। खैर, मैंने भी ये सब कुछ तुम्हारी खातिर ही बर्दाश्त किया है, वरना मैं कहां उन्हें इतना लिफ्ट कराती हूँ। शुक्र है आज जाके मानी है, लेकिन 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 ये बता दूं, वो दिल से खुश नहीं है। मैं समझती हूँ फूफो। बड़ी मुश्किल से मंगनी पे मानी है, वो भी सिर्फ इस शर्त पर कि मंगनी करके फौरन खामोश होके बैठ जाओ, शादी का नाम भी मत लेना। तो फिर कहने तो उनको, लेकिन ये तो हमारे लिए जरूरी था ना कि तुम्हारे रिश्ते की बात उनसे की जाती, वरना बाद में उनको कौन लिफ्ट कराएगा। आप नानो को जानती हैं, वो बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर देंगी। वो तो उनकी पुरानी आदत है, हम आदि हैं ऐसी हरकतों के। ठुप्पो, फिर भी तुम बस मंगनी हो जाने दो। मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हारे अंकल और वहाब को मनाकर इसी साल के अंदर अंदर तुम्हारी शादी करवा दूं। तुम्हारी नानी के चाहने या ना चाहने से क्या होता है, मैंने उनसे सिर्फ एक दफा बात करनी थी, वो मैंने कर ली। और किसी का नाम याद आ रहा है तो मुझे बता दो, मैं लिस्ट बना रही हूँ। होंगी जिसकी वजह से तुम्हारे शौहर ने तुम्हें छोड़ दिया होगा। अरे हर कोई मेरी तरह बेवकूफ नहीं होता जो तुम जैसी नगा और बीमार औरत को अपने साथ लगा के रखे और सुकून से रखे। ऐसी औरत को क्या पछतावा, मुझसे पूछो कि मैं तुमसे शादी करके किस अजाब में फंस गया हूं। अगर वो इतना ही अमीर आदमी है तो उठाए ना बेटी की जिम्मेदारी, वो क्यों रुल रही है यहां। अंदर होमवर्क खत्म किया, ठीक है, एबीसीडी याद। शाबाश, अभी मैं आपसे सुनूंगी, ठीक है, कि जब पापा आएंगे तो फिर मैं अपनी बेटी को आइसक्रीम खिलाने ले जाऊं। सालिया, सालिया जी, आप आ गए, चाय लाओ। अरे चाय को छोड़ो, आज मैं बहुत खुश हूँ। खैरियत? मुंह मीठा करो। मगर बात तो बताइए, किस खुशी में? ये बाद में बताता हूँ, पहले जरा कम से कम मुंह तो मीठा कर लो। अफजल, क्या बात है? सालिया, मेरा दुबई का वीजा लग गया है। है ना खुशी की खबर? अमृत बेटा, इधर आओ। अब आपके लिए बहुत अच्छे खिलौने लेके आऊंगा, हम आइसक्रीम खाने भी जाएंगे। पहुंचते क्यों नहीं हो? चलो मेरा बच्चा। देखो सालिया, अच्छे मुस्तकबिल के लिए तो कुर्बानी देनी पड़ती है ना। अच्छे मुस्तकबिल के लिए हम लोग अलग हो जाए। अरे मैं ऐसा तो नहीं कह रहा। देखो सालिया, आज जो मेहनत हम करेंगे ना, तो उसका फल हमें कल मिलेगा ही। मुझे नहीं चाहिए ऐसा फल जिसकी खातिर मुझे आपसे अलग रहना पड़े। तुम दोनों की बेहतरी के लिए तो मैं जाना चाह रहा हूँ। हमारी बेहतरी आपके साथ रहने में, अफसाल, आपसे अलग रहने में नहीं। सालिया, जब मैंने तुमसे शादी की थी ना, मैंने सोचा था कि मैं
बहुत खुश रखूंगा। दुनिया जहान की आसाइशें, खुशियां, सब कुछ तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूंगा। आपने हमें खुश रखा हुआ तो है। अपनी जिंदगी से बहुत मुतमईन हूँ, बहुत ऐश में रह रही हूँ आपके साथ। खाक ऐश कर रही हो तुम, बस गुजारा ही तो कर रही हो। और सच पूछूं तो ये सब कुछ मुझसे देखा नहीं जाता। अफजल, आप इतने बड़े बड़े ख्वाब क्यों देखने लगे? मुझे बहुत अच्छी तरह याद है सालिया, जब मैंने तुम्हारे घर रिश्ता भेजा था तो तुम्हारे अम्मी अब्बू को बस यही इतराज था कि हमारे खानदान का होने के बावजूद इसकी आमदनी बहुत कम है। पता नहीं कैसे गुजारा करेगी हमारी बच्ची। अफजल, आप क्यों पुरानी बातें लेकर बैठ गए? अगर थोड़े से भी पैसे होते ना मेरे पास तो दुबई में बहुत अच्छी नौकरी मिल सकती थी। कितने पैसे चाहिए आपको अफजल? पता नहीं, ऐसे 2 लाख रुपए में तो मेरा ख्याल है ये काम मुझे किसी ने कहा था हो सकता है, लेकिन क्या करें। ये तुम्हारा जीवर, ये क्यों ले आई हो तुम? देखिए अफजल, आपके जाने पर तो मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं है, मगर मैं ये नहीं चाहती कि कभी भी आपको जिंदगी में मुझसे ये शिकवा हो कि जब आपको इन सब चीजों की जरूरत थी तो मैंने आपका साथ नहीं दिया। आप ये सारे जेवर रख लीजिए, इन्हें बेचकर वो रकम पूरी कर लें जिसकी वजह से आप जा सकते हैं। नहीं सालिया, नहीं, ऐसा कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ये तुम्हारा जेवर, तुम्हारा मुस्तकबिल है, इसे बेचना मेरा मतलब है कोई अच्छी बात नहीं है। आपकी बीवी होने के नाते जो मेरे बस में है मैं जरूर करूंगी, चाहे उसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। जेवर क्या चीज है? सारे एक बात बताओ। कहिए। बखुदा मैं सारी जिंदगी तुम्हारा ये एहसान नहीं भूलूंगा। बस आप हमसे दूर जाके हमें मत भूलिएगा। कैसी बातें कर रही हो? भला कोई इंसान सांस लेना भी भूल सकता है? मैं अपने आप को तो भूल सकता हूं सालिया, लेकिन तुम्हें नहीं भूलूंगा। प्रॉमिस। तुमने मेरे लिए वो किया जो शायद मैं अपने लिए भी नहीं कर सका। मेरे लिए दुआ करना, हम सबके अच्छे मुस्तकबिल की उम्मीद रखना। इंशाल्लाह तुम्हें अल्लाह बहुत कुछ देगा। I love you, Sally. And I love you forever.
अंडरस्टैंड। हेलो जी, अब मेरी बेटी का खाने का वक्त हो गया, चलो शाबाश। इस वक्त कौन आ गया? शायद नानू। एक मिनट। क्या करूं दर्द कम नहीं होता, करूं दर्द कम नहीं होता। अमित, बाबा का खत आया। मैं समझ रही थी कि नानो आई है, लेकिन बाबा का खत आया। ते बाबा ने क्या लिखा? मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। बाबा कब आ रहे हैं? मम्मा बाबा कब आ रहे हैं? मम्मा आपको कुछ बोलती क्यों नहीं? बाबा कब आ रहे हैं? बताएं ना मम्मा बाबा कब आ रहे हैं? मम्मा आप रो क्यों रही हैं? मम्मा आप रो क्यों नहीं हैं? बाबा कब आएंगे? देखो क्या हालत हो गई है मेरी बेटी की। खानदान का होकर, रिश्तेदार होकर इतना बड़ा धोखा दिया इसने मेरी बेटी को। लोग गैरों की बात करते हैं, यहाँ देखो अपनों ने क्या हाल किया है। इतना बड़ा धोखेबाज था ये, यहाँ जिस औरत के साथ चक्कर चल रहा था उसी को लेकर बाहर गया ये। तौबा तौबा, कैसा जमाना आ गया है, अब तो किसी पे एतबार ही नहीं रहा। देखना सब इसके आगे आएगा। साला का तो छोड़ो, अपनी बच्ची का भी नहीं सोचा। अरे वो क्या सोचेगा बच्ची का, औलाद तो उसे दूसरी बीवी से भी मिल जाएगी। लेकिन मेरे दिल से बददुआ है, ये शख्स कभी आबाद नहीं होगा, हमेशा बर्बाद रहेगा। क्या हालत कर दी मेरी बच्ची की इसने। वो क्या बर्बाद हुआ? बर्बाद तो मैं हो गई, जिंदगी मेरी बर्बाद हुई है। वो तो बिल्कुल ठीक है, आबाद घर है, औलाद है, बीवी भी है, जिंदगी तो मेरी तबाह हुई है, मेरी। मैंने तुम्हें कोई कर्ज नहीं दिया था, और ना ही तुमने मांगा था, और ना ही मैंने तुम्हारे कहने पर दिया था। अपनी मर्जी से अपने पैसे खर्च किए थे। वैसे एक बात माननी पड़ेगी, हिसाब किताब बड़ा अच्छा हो गया तुम्हारा, बहुत बदल गई हो तुम्हारी। ये जो थोड़े से पैसे भेजकर तुमने मुझे इंसल्ट करने की कोशिश की है ना, ये तुमने अच्छा नहीं किया।
तुम समझती क्यों अपना आप? हाँ, कौन है तुम? क्यों अपने और मेरे हवाले से गलत बातें फैला रही हो? कौन सी गलत बातें फैला रही हूँ मैं? तुमने सबको ये क्यों बताया कि तुम मेरी मंगेतर? मैंने कब मंगनी की? तो क्या मैंने कोई गलत बात की है? मैंने तुमसे कभी मंगनी नहीं की। तुम मेरे और अपने बारे में उल्टी सीधी बातें फैलाना बंद करो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तुम्हें ये सब बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम एक धोखेबाज, मक्कार और फ्लर्ट इंसान हो। शट अप। बहुत बुरा लग रहा है तुम्हें। तुम ही तो थे जिसने मुझसे शादी के वादे किए थे, मुझे अपने साथ रखोगे। अब तुम्हें दूसरी मिली है तो सब कुछ भूल चुके हो तुम। तुम ना अपने दिमाग का इलाज करवाओ, तुम्हारे साथ कोई शदीद ज़हनी प्रॉब्लम है। गो एंड सी अ डॉक्टर। मैं अपने दिमाग का इलाज करवाऊं? लेकिन तुमने अपनी हरकतों से बाज नहीं आना। एक साथ दो लड़कियों को बेवकूफ तुम बना रहे हो और कसूर भी मेरे ही दिमाग का है। वाओ। ठीक कहते हैं मेरे मॉम एंड डैड तुम्हारे बारे में। तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुमसे कोई बातचीत की जाए या तुमसे कोई रابطہ रखा जाए। हम खानदानी लोग हैं और तुम जैसी लड़की के साथ दोस्ती करना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गलत फैसला। ठीक कहते हैं डैड, आई रियली रिग्रेट। तुम और तुम्हारा बाप कितने खानदानी है उसका अंदाजा। कमल सर, आपके लिए बैंक ड्राफ्ट आया। बैंक अपने वादे के मुताबिक मैं तुम्हें तुम्हारी पूरी रकम लौटा रही हूँ। तुम्हारा ये एहसान मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकूंगी। बहुत जिद्दी हो तुम अमृत। मुझे लगता है तुम्हारा और मेरा ब्रेकअप बिल्कुल ठीक हुआ है। पैसों की आप फिक्र मत कीजिए, ये जिंदगी आप मुझको छोड़ दें, मैं सारी न्यूज क्लियर करवा जी। अच्छा फिर मैं अभी घर जा रहा हूँ, माया भी अकेली है और मैं बाहर का दरवाजा खुला छोड़ आया था।